क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं हम आज के कार्यक्रम में, और इसमें आईपीओ से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट्स लेकर करके आई हैं ये हमारे साथ हर रोज की तरह बताने के लिए शौर्य जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट भी है तो उनसे भी डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शौर्य के पास चलते हैं और जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए हमारे साथ जो मैनेजमेंट जुड़ी हुई है, और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि हमारे साथ सीगल के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुकी है, रमनीक सहगल जी हैं हमारे साथ, भगत जी हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर आज की इस चर्चा में, आप लोग जुड़े हमारे साथ और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हालांकि बाजार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिलहाल अब तक जो रिस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो शौर्य से पूछ लेते हैं एक बार कि आप लोगों से सवाल करने से पहले कि आखिर में कंपनी किस कारोबार में है, कंपनी क्या कर रही है, क्या प्राइस बैंड है, शौर्य बताइए, उसके बाद से मैनेजमेंट के पास चलते हैं। जी चलिए, अगर सीगल इंडिया की बात करें तो प्राइस बैंड है 380 से लेके 401 रुपीज़ का। आईपीओ से 1252 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें से 684 करोड़ का है फ्रेश इशू। सब्सक्रिप्शन की बात करें 11 बजे तक 1.58 टाइम्स भरा था, लेकिन अभी 3.87 टाइम्स से भर चुका है, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 53 रुपीज़ का जीएमपी अभी भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। परसेंट टर्म में देखें तो 13% के आसपास जीएमपी मिल रहा है। कारोबार की बात करें तो कंपनी इंफ्रास्पेस में है, हाईवेज ब्रिजेस बनाने के कारोबार में, और कंपनी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व रहती है। चलिए सर, सबसे पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत सर, भगत जी और रमनीक जी। भगत जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, और हमने देखा कि आपके काफ़ी अच्छे जो है आए और मुनाफे में काफ़ी अच्छी बढ़त रही है। पिछले दो साल में आपने अपने जो है मुनाफे और आय को डबल किया है। भविष्य को लेकर के जो है आप कैसे देख रहे हैं, और कौन से सेक्टर्स हैं जहां से आपको खासतौर से ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है? भगत जी नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने चैनल पे समय देने के लिए। तो सर हमारी कंपनी सीगल इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे वर्टिकल्स, हाईवे स्ट्रक्चर्स में, मेट्रोस में और अदर वर्टिकल्स में काम करते हैं। हमारी अगर आप देखेंगे केयर की इंडस्ट्री रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उसके हिसाब से FY21 से FY24 तक हमारा जो CAGR का रेवेन्यू का ग्रोथ रेट रहा है वो अमंग द पीयर सबसे बेस्ट रहा है, 50.13% का हमारा ग्रोथ रेट रहा है। हमारा ईयर ऑन ईयर FY24 में जो ग्रोथ रेट रहा है टर्नओवर का वो 43.10% का ग्रोथ रेट रहा है। तो हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, हम लोग 80% हमारी जो ऑर्डर बुक है वो NHAI सरकारी एजेंसी है जिसके साथ हम काम करते हैं। रिमेनिंग ऑर्डर बुक जो हमारी है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, बट हम सीगल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट तभी बिड करती है जब वो सेंट्रल ADB या वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड होते हैं। तो बहुत ही अच्छी हेल्थी ऑर्डर बुक है हमारी। ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो जो है वो 3 times है एज कम्पेयर टू द पीयर ग्रोथ रेट। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और ये जो मैं आपसे वाक्यांश शेयर कर रहा हूँ ये केयर की इंडस्ट्री रिपोर्ट ने प्रमाणित किए हैं। और हेल्थी ऑर्डर बुक के साथ साथ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी कंसिस्टेंसी है, हमारा EBITDA मार्जिन डबल डिजिट से है, हमारा कैश प्रॉफिट मार्जिन 60% है EBITDA के, बहुत ही हेल्थी कैश अक्रूवल्स है। हमारे पास हैम के प्रोजेक्ट्स हैं, 5 projects हैं हमारे पास, जिसमें से एक प्रोजेक्ट मलोड का हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके ऊपर हमने लास्ट ईयर एक फुल ईयर 80 crores अप्रोक्सीमेटली की एन्यूटी रिसीव कर चुके हैं। रिमेनिंग 2 projects हमारे अंडर प्रोसेस हैं, हमें उम्मीद है FY25 तक हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीशन के बाद टोटल कंपनी के पास 3 projects हो जाएंगे जिसके ऊपर कंपनी हर साल एक फिक्स्ड एन्यूटी जो कि हैम प्रोजेक्ट्स में हमें सरकार से मिलती है, NHAI से मिलती है, कंपनी 3 projects के ऊपर NHAI से एन्यूटी रिसीव करेगी। रिमेनिंग जो 3 projects कंपनी के रह गए हैं उसके ऊपर हम अपॉइंटेड डेट की वेट कर रहे हैं। जैसे ही अपॉइंटेड डेट NHAI से हमें अवेलेबल होती है कंपनी डिजायर्ड लेवल ऑफ इक्विटी इन्फ्यूज करके उन कामों को जल्दी से शुरू कर सकती है। जी सर, चलिए मेरा क्वेश्चन सहगल जी से है। अगर हम स्पेस की बात करें, इंफ्रास्पेस में काफी ग्रोथ नजर आ रही है, आगे भी सरकार भी काफी एफर्ट्स डाल रही है, लेकिन ये पूरा सेक्टर बहुत ही कंपेटिटिव है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी है और जो बिडिंग होती है बहुत ही काफी कंपेटिटिव प्रोसेस है, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स के मुकाबले भी आपको बिडिंग मिले और आगे भी ऐसा बना रहे, उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विपुल जी एंड शौर्य फॉर गेटिंग अस हियर ऑन दिस इंटरव्यू। सो अ गुड क्वेश्चन। So, you know, we have a lot of verticals within Seagull, and geography wise also we are spread over more than 10 states. We've already touched upon 13 states. So if you see what is Seagull, anything what comes on road, we built it. So be it expressway, highway, metros, elevated roads, you know, railway lines, railway work, railway over bridges,
then besides this we do tunneling business also. So we are very clear with the thought process. We have to play with our EBITDA levels. हमें रोड का धंधा नहीं मिलेगा, हम एलिवेटेड कर लेंगे. एलिवेटेड नहीं मिलेगा, स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, विल डू रेलवे. रेलवे नहीं होगा, एयरपोर्ट. वी डूइंग रनवे ऑफ हलवारा ऑल्सो. सो टनलिंग. सो वी हैव सो मेनी वर्टिकल्स एंड सो मेनी ज्योग्राफी. ज्योग्राफी वी आर सो वेरी वेल यू नो डाइवर्सिफाइड कि किसी स्टेट में ऐसा नहीं कि हमें पंजाब में काम देना है वहां. इफ यू सी द कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब एंड ऑर्डर बुक वैल्यू विद इन पंजाब इज लेस देन 30%. सो वी आर सो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड टुवर्ड्स बिहार, झारखंड. वी आर डूइंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड फोर लेन एलिवेटेड ऑफ द कंट्री विच इज इन पटना, विच इज क्लोज टू 969 करोड़. हमने अभी एक दिल्ली सहारनपुर का प्रोजेक्ट खत्म किया है फॉर ऑलमोस्ट 1500 करोड़, विच इज 11.24 किलोमीटर एलिवेटेड. तो कंपनी के पास ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशंस है कि भाई कंपनी इज वेरी क्लियर विद द थॉट प्रोसेस कि हमने रैट रेस नहीं करनी और हमने वो काम करना है जिसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने एक मेट्रो का काम डाला विच इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रो ऑफ द कंट्री इन आगरा. 1528 करोड़ का टेंडर है. उसमें हमारा कंपटीशन में चार या पांच लोग जो हैं वो है L&T, एफकॉन्स, NCC. सो वो लोग बड़ा हेल्दी कंपटीशन करते हैं. वी डोंट वांट टू गो इनटू अ रैट रेस. देन बिसाइड्स दैट कंपनी के पास एक और वर्टिकल है जिसमें हैम का बिजनेस करते हैं. हैम में जब हम टेंडर डाल रहे थे हमारा 13-15% IRR था, आज वो काम कंप्लीट करके 20% है. कंपनी के पास कैश मार्जिन एंड यू नो गोइंग फॉरवर्ड इज अ profits has grown. You have seen last 3 years. And IPO के बाद debt भी negligible हो जाएगा. Company के पास BG limit इतना है कि we can bid up to about $10 billion. $2 billion के आसपास हमारे contender डले हुए हैं. Where in STPs, water, then we have quoted for projects like metros, then you know अयोध्या bypass के दोनों project हमने डाले हुए हैं. So हमारे पास ना काम की कमी है. Order book value पहले ही हमारे पास 9400 crore की है. Going forward visibility is very clear. And you know, IPO के बाद क्या होगा, 2.0 सीगल आएगा जिसमें फॉर अस कंपनी लाइक अस स्काई इज द लिमिट. एंड आप देखें कि आज मार्केट का जब सुबह 2600 पॉइंट गया उसके बाद भी मार्केट ने इतना अच्छा हमारे को दिया. इफ यू कैन सी वेयर वी आर नाउ, आई मीन वी आर थैंकफुल टू द मार्केट एंड वी आर थैंकफुल टू द इन्वेस्टर्स हु आर बिलीविंग इन सीगल. एंड यू नो वी कैन जस्ट से दिस, वी आर वेरी यंग कंपनी. यू हैव सीन अस मैनेजमेंट एंड गोइंग फॉरवर्ड स्काई इज द लिमिट फॉर कंपनी लाइक अस. थैंक यू सो मच. भगत जी, एक सवाल यहाँ पर था, चूँकि जिक्र हालांकि छेड़ दिया यहाँ पर सहगल साहब ने, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसका उत्तर दे दें. जब आप, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद आप लोग आईपीओ लेकर के आते हैं, और जब जिस दिन आईपीओ खुल रहा है या उसके आसपास जो है इतनी बड़ी गिरावट बाजार में जब आती है, तो क्या सुबह कुछ घबराहट हो रही थी आपको, धड़कनें बढ़ी हुई थी कि मतलब पहले ही दिन अगर बाजार इस तरीके से टूट रहा है पता नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कोई घबराहट थी सर क्या? नहीं सर, घबराहट हमें कुछ नहीं थी. सीगल 20 साल से 2002 से स्टार्ट हुई थी. बहुत मजबूत नींव है सीगल इंडिया की, जैसे होती है, और हमें पूरा विश्वास था. हमने रोड शोज किए हैं मार्केट्स के अंदर, रोड शोज से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और हमें पूरा विश्वास था कि जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, वो एक इतने मजबूत आधारे पे बेस्ड है कि हमें इन्वेस्टर्स का रिस्पांस अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, एंकर बुक के बात करें, रिटेल की बात करें, एचएनए की बात करें, हमें अक्रॉस ऑल हमें रिस्पांस जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी स्टोरी 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद लिखी है. अगर जैसे रमनीक सर ने कहा, हमारी NHAI की ऑर्डर बुक अच्छी है. ऑर्डर बुक 9400 की ऑर्डर बुक है. 9400 की ऑर्डर बुक के हिसाब से आप समझ सकते हैं फ्यूचर में रेवेन्यू विजिबिलिटी है. इसके साथ साथ जैसे हमने कहा, हमारी जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट थी उसके बेसिस पे जो हमारी बिडिंग क्वालिफिकेशन है, EPC में हमारी बिडिंग क्वालिफिकेशन है 5700 करोड़, हैम में है 5500 करोड़. आप समझिए सर, जो लोग इंफ्रा को समझते हैं, जब एक निवेशक किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करता है, तो आप एक चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि 5500 करोड़ क्वालिफिकेशन के लिए बहुत समय लगता है, और ये क्वालिफिकेशन बहुत गिने चुने लोगों के पास है. इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सीगल इंडिया लिमिटेड आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट बिड कर सकती है और निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकती है. तो ऐसा कोई भी नर्वसनेस, इवन आज सवेरे की बात करूं मैं तो कहूंगा सर, जब से कि सफर शुरू किया है, जब आईपीओ का हमने प्लान बनाया, मैनेजमेंट से अप्रूवल लिया, डे वन से लेके आज तक कभी भी नर्वसनेस नहीं हुई, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि जिस ग्रोथ स्टोरी को हमने कड़ी मुशक्कत के साथ 20 साल का सफर तय किया, ये ग्रोथ स्टोरी इन्वेस्टर्स को जरूर पसंद आएगी और सीगल की मैनेजमेंट को, निवेशकों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा. शुक्रिया.
साइकिल से अगर हम बात करें, आपने बताया प्रॉफिट आपका अच्छा है, रेवेन्यूज भी, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, पर कहते हैं कि अल्टीमेटली कैश इज द किंग। तो हम देख रहे हैं आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़े नेगेटिव नजर आ रहे हैं, तो क्या मतलब है? पेबल आने में तो डिलेज होता है, वो एक रीजन है या फिर कुछ और है? और आप आगे से ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स लेने के देख रहे हैं? तो शौर्य, यहां ना दो चीजें हैं, एक कंसोल लेवल की हमारी बैलेंस शीट और एक कंपनी लेवल की है। कंपनी लेवल में हमारा कैश पॉजिटिव है, कंसोल में जहां हैम के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि हैम के प्रोजेक्ट में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एनएचआई के प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे को 40% पेमेंट करते हैं प्रोजेक्ट के साथ। गवर्नमेंट का जो मॉडल है हैम का, वो बाकी का 60% ओवर 15 ईयर्स, जिसमें एस्केलेशन, बैंक रेट, ये सब एड करके मिलता है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि हमारा इक्विटी IRR लगभग 20% है। तो वो ट्रिपल ए रेटेड हमारे प्रोजेक्ट है, लाइक मलोटपुर साधुवाल इज ऑलरेडी ट्रिपल ए रेटेड बाय प्रिसल एंड NHAI आल्सो इज ट्रिपल ए रेटेड। तो कंसोल लेवल पे वो पेमेंट क्योंकि 15 साल में आनी है वो नजर आ रही होगी, बट अदरवाइज सीगल की बात करो, सीगल का कैश पॉजिटिव है। आप तीनों साल का देख लो, इस साल का जो हमारा कैश था 234 करोड़ के आसपास था। सो इवेंचुअली इफ यू सी, सीगल हैज ऑलवेज क्रिएटेड और जनरेटेड पॉजिटिव कैश फ्लो ओनली। जी सर, और भगत जी कैन मोर एड ऑन मोर ऑन द नंबर्स। सर मैं, आप अगर मुझे 2 मिनट का समय दीजिए तो मैं रमणीक सर के साथ। जी सर, कैश फ्लो देखने का एक नजरिया होता है। सबसे पहले आप समझिए हमारी कंपनी की जो कैश फ्लो है, जैसे मैंने आपसे कहा 80% हमारी ऑर्डर बुक NHAI से है। हमारी कलेक्शन के जो डेज है 30 से 35 डेज है, 30 दिन के अंदर हमारा कलेक्शन का पैसा आ जाता है। हमारी इन्वेंट्री 15 से 17 डेज की है, हमारे जो वेंडर्स हैं वो 35 से 40 डेज के एवरेज बैठते हैं। तो जब हम बात करते हैं कैश फ्लो की, कैश फ्लो को समझना चाहिए सबसे पहले जो कंपनी सीकर इंडिया जिसका IPO आ रहा है उसके कैश फ्लो पॉजिटिव है। FY24 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मैं रिपीट करूंगा सर, कैश फ्लो को देखने के दो तरीके हैं। एक होता है कैश अक्रूवल, वो हर कंपनी का पॉजिटिव हो सकता है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पोस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस सीगल इंडिया लिमिटेड के पॉजिटिव है। FY24 में जो कि सर्टिफाइड बैलेंस शीट्स हैं 180 करोड़ के थे, FY22 में 30, उससे पहले 92 थे। अब सर सीगल इंडिया करती क्या है? सीगल इंडिया हमने बताया आपको इंफ्रा का काम करती है। इंफ्रा का काम करने के दो मॉडल होते हैं, एक होता है ईपीसी बेस्ड मॉडल, दूसरा होता है हैम बेस्ड मॉडल। ईपीसी मॉडल में आप जितने का काम करते हैं, जितने की बिलिंग करते हैं, आपको अथॉरिटी वो पैसा आने वाले 25 से 30 दिनों में रिलीज कर देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई डिले नहीं होता और आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उसके पॉजिटिव होते हैं। हैम मॉडल में क्या है सर? हैम मॉडल लाया क्यों गया? हैम मॉडल एक डेफर्ड पेमेंट सिस्टम है, जहां पे सरकार का उद्देश्य था इंडिया के अंदर, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की धूम मचाई जाए, जिसके अंतर्गत 40% पैसा 2 साल के पीरियड में जो एग्जीक्यूशन पीरियड होता है कंसेशनर को मिल जाता है, बाकी का 60% ब्याज के साथ 15 सालों में मिलता है। अब सर हमारा जो ऑर्डर बुक है 9400 करोड़ का, उसमें से 3500 करोड़ के आसपास का हैम का ऑर्डर बुक है। हमने मलोटाभोर का काम खत्म कर दिया, उस पर एन्यूटी आ रही है। जब हम बात करते हैं सर हमने काम खत्म कर लिया, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अगर हमारा काम 1000 करोड़ का है तो 400 करोड़ रुपया हमें मिल चुका है अथॉरिटी से, बाकी का 600 करोड़ ब्याज के साथ 15 सालों में मिलेगा। अब सर आपके निवेशक सारे फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो जब 600 करोड़ रुपया जो मुझे कैश मिलना था वो मुझे 15 सालों में मिलेगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए जब हर साल आप इंक्रीज डिक्रीज का इंपैक्ट निकालेंगे तो आपका जो रिसीवेबल है वो बढ़ता जाएगा और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कारण आपको वो नीचे नेगेटिव दिखेगा। बट सर मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा आपको, हमारी SPV की बैलेंस शीट में, मैं रिपीट करूंगा, ये सारा जो हैम का है ये रिस्पेक्टिव SPV की बुक्स में रिसीवेबल आता है। ये रिसीवेबल NHAI ने देना है, NHAI इज द हाईएस्ट रेटेड एजेंसी इन इंडिया, ये NHAI से आना है और ये एन्यूटी के फॉर्म में आना है। ये एन्यूटी फिक्स्ड होती है, ये आपको साल में 2 बार ही मिलती है, और जो भी हैम का टर्म लोन है हमारी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं टोटल लोन हमारा 520 करोड़ का है, जो भी हैम का टर्म लोन है उसकी रीपेमेंट के लिए सीकर इंडिया ने अपना इंटरनल अक्रूवल या अपना फाइनेंस यूज नहीं करना है, वो सारे का सारा टर्म लोन उस एन्यूटी से पे होगा जो हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे NHAI से मिलनी है। तो मैं आपको इन क्रक्स ये बताना चाहता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को समझने के लिए हमें बिजनेस मॉडल पे गौर फरमाना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि जो कैश फ्लो कंसोलिडेटेड का RSP में आ रहा है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से नेगेटिव है, हमारी बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन की वजह से हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पोस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट है। भगत जी और सहगल साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने बात चीजें बताई। बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं लेकिन समय की थोड़ी कमी है, तो जब आपकी लिस्टिंग होगी और इस गिरते बाजार में भी निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग खूब अच्छा मुनाफा कमाएँ
और आपकी कंपनी और ज़्यादा जो है तरक्की करे, आगे बढ़े। और लिस्टिंग के दिन आपसे और डिटेल में बातचीत होगी, तब आप भी जो नियम है उनसे बंधे हुए नहीं होंगे और डिटेल में बातचीत कर पाएंगे। तो भगत जी और सहगल साहब दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी से पूछते हैं कि उनको इस आईपीओ में क्या कुछ अच्छी बातें दिखाई दे रही हैं, क्या नेगेटिव बातें दिखाई दे रही हैं। अरुण सर, आपकी टिप्पणी सीगल के आईपीओ को लेकर के। बहुत समय के बाद डेवलपर रोड डेवलपर कंपनी का आईपीओ आया है। इसमें सीधा साधा बिजनेस है, ऑर्डर बुक अच्छी है, ग्रोथ कंपनी अच्छी अचीव कर रही है और इसमें निवेशक जो अप्लाई करेंगे और शेयर लगेंगे उन्हें पैसा बनने का भी पूरा अच्छा मौका है। लिस्टिंग गेन भी है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्राइस अप्रिसिएशन जो कि कंपनी डिलीवर करती है वो भी सामने दिखता है, तो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। अभी तक ऐसा सब्सक्रिप्शन लेवल नहीं हुआ है। अब पता नहीं QIB और HNI कितना डालते हैं क्योंकि इनकी बिडिंग 2 और 3, 3.5 के बीच में ज्यादा करके आती है जी। चलिए बाकी कौन कौन से आईपीओ खुले हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं शौर्य से। शौर्य, बाकी क्या कुछ अपडेट हैं और कौन से मेन बोर्ड पे आईपीओ जी? बाकी तो एक मेन बोर्ड पे ओला का आईपीओ है जिसका आईपीओ का साइज भी काफी बड़ा है, 6,000 करोड़ से का आईपीओ साइज है और जिसमें 5,500 करोड़ फ्रेश इशू है जिसमें ईवी का बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं ओला इलेक्ट्रिक। और लेकिन बात है सब्सक्रिप्शन में देखें तो अभी से 76% सब्सक्राइब होते हुए नजर आए लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। आज दूसरा दिन है जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 2.79 times है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉय के द्वारा ही नजर आ रहा है जो 9 times भर चुका है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 88%, QIB का भी कोई भी सब्सक्रिप्शन नजर नहीं आ रहा है। GMP में नजर डालें तो 76 rupees के प्राइस पे 9.6 rupees का GMP मिल रहा है, यानी 12 से 13% के आसपास का ग्रे मार्केट में प्रीमियम। चले तो मेन बोर्ड में चाहे वो बाजार की वजह से हो या किसी और कारण की वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कभी कभी सर कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ हम देखते थे वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर आनंद राठी की तरफ से कहा गया सब्सक्राइब विद कॉशन, सब्सक्राइब स्मार्ट न्यूट्रल है। जियोजित फाइनेंशियल की तरफ से कहा गया सब्सक्राइब विद कॉशन, सिर्फ हैंसेक्स की तरफ से कहा गया है सब्सक्राइब करने की सलाह। ओला इलेक्ट्रिक के वैल्यूएशन क्या महंगे लग रहे हैं सर आपको? तो देखिए कंपनी ने अभी तक नेट प्रॉफिट नहीं बनाया है तो PE मल्टीपल के हिसाब से वो नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स इस हिसाब से नहीं है। इसका मैट्रिक्स देखना पड़ेगा कंपनी करती क्या है और आने वाले समय में क्या करेगी। तो अगर मैं इस कंपनी को एक्सप्लेन करूं तो आज के दिन ये ईवी के 2-wheeler बनाती है और आगे जाकर जो बैटरी लगेगी 2-wheeler में या वो भी उसका उत्पादन भी ये कंपनी से आएगा। कंपनी काफी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है ये दोनों फैक्ट्रीज को बनाने में। दोनों प्रोडक्ट यानी के ईवी और बैटरी के PLI स्कीम में उसे मंजूरी मिली है तो इसका जो असली जो वर्किंग है कंपनी का वो मेरे ख्याल से अगले साल से आपको देखने मिलेगा, जबकि ओला के 2-wheeler में आपको उसी की बैटरी का भी हिस्सा मिलेगा। आपके दर्शक को मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो आप ईवी खरीदते हो उसमें लगभग 40-45% खर्चा सिर्फ बैटरी पैक का होता है जिसके ऊपर में ये ईवी चलती है, तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है। फिलहाल कंपनी जो ईवी बेच रही है उसमें बैटरी इंपोर्ट होती है, अब ये पूरी बैटरी आगे जाकर भारतवर्ष में बनेगी। जो ओला अपने खुद की फैक्ट्री जो एक सब्सिडियरी में है उसमें ये बैटरी का निर्माण करेगी। तो जहां तक इशू का सवाल है, कुछ लिस्टिंग गेन भी है, कुछ इसमें प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए तब आएगा जब एक ये बैटरी खुद उत्पादन करके स्कूटर में देगी और दूसरा ये कहा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है कि कंपनी 2-wheeler जो बना रही है वो आगे जाकर मोटर बाइक भी बनाएगा। और जहां तक 2-wheeler का सवाल है, भारतवर्ष में 70-75% मोटर बाइक बिकते हैं, 25-30% स्कूटर बिकते हैं, तो स्कूटर का मार्केट मोटर बाइक से काफी छोटा है, 3 गुने का फर्क है।
तो उसका जब ये कंपनी अपने मॉडल्स अनाउंस करेगी और बिक्री शुरू करेगी तो उसका भी एक बड़ा ट्रिगर शेयर में देखने को मिलेगा। तो अभी पैसे लगाए कि नहीं लगाए सर, क्या करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक में? सर लगाना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक, और मुझे लगता है कि आपको लिस्टिंग गेन भी कुछ न कुछ मिलेगा। इशू की साइज बड़ी है तो अलॉटमेंट की संभावना भी और इशू से कुछ ज्यादा रहेगी। चलिए ठीक है, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इसमें बड़ी संख्या में हमारे जो दर्शक हैं वो खाली यही बता रहे हैं कि कितना लॉस हुआ है आज। स्टार हरियाणा कह रहे हैं मुझे 45,000 का लॉस है, आप सबको कितना हुआ है कृपया यहाँ पे मैसेज करके बताओ। एजुकेशन वायर कह रहे हैं मुझे 1,00,000 का लॉस है, एक हमारे और दर्शक हैं बता रहे हैं 70,000 का लॉस है। सर एक बात बताइए, आप लोगों ने मनी नाइन के कार्यक्रम में अरुण जी की जो चुन चुन के सेगमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे बनाए होंगे मेरा ऐसा मानना है, लेकिन किसी ने आज तक बताया नहीं कि एग्जैक्ट मुनाफा हुआ कितना है, लेकिन आज पूरा पोर्टफोलियो आप लोग बता रहे हैं कितना कितना लॉस हुआ है। ठीक है बड़ी पोजीशन रही होगी तो आप लोगों का लॉस हो सकता है बड़ा हो, लेकिन हाँ समय समय पर जब आप एक्सपर्ट को सुन करके उनकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं कि स्टॉप लॉस ये रहेगा, या फिर अगर आपको ये बताया गया कि अभी बाज़ार में कैश में जाने का वक्त आ गया है, उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो थोड़ा सा जो है इसी सिचुएशन इसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन एसएमई क्षेत्र के आईपीओ में क्या कुछ हो रहा है वो चलते हैं शौर्य के पास जानने के लिए। शौर्य बताइए फटाफट। जी एसएमई क्षेत्र में दो आईपीओ हैं जिनका जीएमपी अभी भी 100% से ज़्यादा बना हुआ है। पहला है एफकॉम होल्डिंग्स। एफकॉम होल्डिंग में सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 25.75 टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की नज़र डालें तो आईपीओ का प्राइस है 108 और प्रीमियम चल रहा है 140 रुपये का, यानी 129% के प्रीमियम पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। दूसरी कंपनी है पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज, वहाँ भी सिमिलर सिचुएशन है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 37.73 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है, लेकिन अगर ग्रे मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ पर थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आया है, वहाँ पर चल रहा है 70% का प्रीमियम, यानी भी मेन बोर्ड के मुकाबले मार्केट के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है एसएमई में। चलिए तो सर इन दो में से किसी पर आपकी नज़र पड़ी हो जो आपको थोड़ा बेहतर लग रहा हो, आपकी टिप्पणी इन एसएमई आईपीओस पर? विपुल जी मैंने इन कंपनी को फॉलो नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से मेन बोर्ड के मार्केट में या मार्केट में एक बाजार में झटका लगा है, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से सेबी आजकल छानबीन कर रही है कुछ लोगों को, ब्रोकर्स को, एसएमई के मर्चेंट बैंकर्स को चिट्ठियां गई है, कुछ को रूटीन तौर पर गई है, मेरे को लगता है यहाँ पर भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़ा झटका एक निवेशकों को लगने वाला है। सकेत रहिए, तैयारी रखिए कि कहीं ना भी कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। एसएमई क्षेत्र से अभी थोड़ा सा दूर रहें क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पर, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी उस चपेटे में आ जाएं। तो सॉरी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए। वाह क्या आईपीओ है,